प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। उत्पत्ति 4:7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से पाप का द्वार विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। यदि हमें भलाई नष्ट हो जाती है तो हम पे पाप प्रभुता करता है, पाप हमें अपने अधीन कर लेता है। केन के जीवन के विषय से हम यही समझ पाते हैं, इसलिए पढ़ा गया वचन इस प्रकार कहता है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। उस पाप की इच्छा हमारे ऊपर आती है, हमें उसे अपने अधीन करना है। प्रियो, यदि पाप पर प्रभुता करनी है तो हम भलाई करने वाले हो। यदि हमारे अंदर भलाई नष्ट हो जाती है तो पाप हमें अपने अधीन कर लेता है। पाप का द्वार बहुत विशाल है और वो खुला हुआ है, वो आत्मिक और भौतिक दोनों तरीके से समान है। उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके जब हम जीते हैं तो याद रखें, ये संसार, ये समूह हमारे अनुकूल नहीं है। एक एक कदम हम जो रखते हैं पाप के द्वार पे तो नहीं, इसका बोध हमें होना चाहिए। केन और हाबिल दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। केन ने पहले भेंट चढ़ाई और उसके बाद हाबिल ने। 4 कहता है, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया, उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। सबसे अच्छे में से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। प्रियो, यदि हम में भलाई है तो हम भी ऐसा ही कर पाएंगे और उत्तम परमेश्वर को चढ़ा पाएंगे। भलाई नष्ट हुए केन को परमेश्वर ने अपनी दया के कारण ही उसके द्वार पर छिपे पाप का पहले ही बोध करा दिया था, लेकिन फिर भी उसको उसका बोध ना हुआ और उस द्वार को वो पार करता है और पाप के अधीन हो जाता है और वो एक हत्यारा बन जाता है। आज इस वचन के सुने जाने से आत्मिक परिपक्वता प्राप्त करके सारे सामाजिक बंधन आत्मिक बंधन नहीं होते और ना ही सारे आत्मिक बंधन होते हैं। सारे खुले दरवाजे परमेश्वर के हित में नहीं होते, उसे समझते हुए पाप के द्वार को पहले से ही देखकर वो हमें अधीन ना कर ले, ऐसा अवसर दिए बिना पाप को अपने अधीन करके आत्मिक वीरता के साथ जीवन जीने में, आत्मिक अभिषेक और आत्मिक शक्ति के साथ जीवन जीने में परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए, आज मेरी प्रभु से ये प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, स्वर्ग के पिता, इस सुंदर सुबह में इस वचन की सेवकाई के सुने जाने के द्वारा हमारे जीवन की यात्रा में एक एक कदम जब हम रखते हैं तो द्वार के पीछे पाप है, उसके प्रलोभन का बोध करते हुए उस पर जय पाकर आगे बढ़ने में आप अपनी कृपा प्रदान करें। पाप के द्वार चाहे कितने ही विशाल हो और वो हमारे सामने क्यों ना खुले हो, आत्मिक परिपक्वता के साथ उसे जानकर, उसका बोध कर उस पर जय पाने में आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से अनुग्रहित करें।